और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। पर शुक्राण कथा कर रही है, अमीर भी जाता है तो मांस पर, गरीब भी जाता है तो मांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में, जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।